नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। हम आपको सीधे लिए चलते हैं जम्मू और कश्मीर। चार दिनों में 9 जवानों की जान लेने वाले आतंकवादी इस समय कहां हैं? गैर कश्मीरियों को टारगेटेड किलिंग करने के बाद आतंकवादी कहां गायब हो गए? जम्मू और कश्मीर में खौफ मचाने वाले दहशतगर्दों की तलाश इस समय जारी है। आज हालात का जायजा लेने के लिए खुद थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पहुंचे। राजौरी और पुंछ के जंगलों में थाना मंडी के इलाके में पिछले 9 दिनों से आतंकवादियों की धरपकड़ की कोशिशें चल रही हैं। जनरल नरवणे आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं, साथ ही साथ कश्मीर की सुरक्षा हालात की भी समीक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर में एलओसी से सटे पुंछ जिले की सड़कों पर यह काफिला है आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे का। एलओसी पर आर्मी के चीफ की मौजूदगी ये बताने के लिए काफी है कि पुंछ में 2 हमलों में 9 जवानों की मौत को सेना ने कितनी गंभीरता से लिया है। आर्मी चीफ जनरल नरवणे यहां हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। वो आतंकवाद के खिलाफ सेना के ऑपरेशन और सरहद के सुरक्षा हालात का भी जायजा ले रहे हैं। पुंछ में आर्मी चीफ की मौजूदगी के बीच यहां के जंगल में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। पुंछ के घने जंगल में तलाश हो रही है उस दुश्मन की जो वार कर छिप गया है। घने जंगल में पेड़ की ओट में चट्टानों के पीछे जवान पोजीशन लेकर तैयार हैं। बस इंतजार है उस मौके का जब दहशतगर्दों की तरफ से कहीं कोई हरकत नजर आए। एलओसी से सटे पुंछ के जंगल से लगते पुलिस चेक पोस्ट के पास चप्पे चप्पे की तलाशी हो रही है। मेटल डिटेक्टर से हर उस जगह को जांचा परखा जा रहा है जहां बम या विस्फोटक छिपाए जा सकते हों। डस्टबिन से लेकर स्कूटी तक मेटल डिटेक्टर से अच्छे से सब कुछ देखा जा रहा है। सड़कों पर भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान नजर आ रहे हैं। इधर पुंछ की भीमबर गली का नजारा देखिए। हर नाके पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर इलाके की कॉम्बिंग की जा रही है। ये सारी कवायद उन दहशतगर्दों को पकड़ने की है जिनके घात लगाकर किए गए 2 हमलों में देश के 9 जांबाज जवान शहीद हो गए थे। 11 अक्टूबर के पुंछ के सुरनकोट इलाके में जब पहला हमला हुआ था तभी से सुरनकोट से लेकर डेरा की गली तक पुंछ और राजौरी जिले से लगे घने जंगल में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन हमला करने वाले आतंकियों का सुराग नहीं लगा है। हमला कर भागने वाले आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल ने अब दूसरे तरीके पर भी काम शुरू कर दिया है। वो तरीका है आतंकियों को मदद मुहैया करने वालों के सहारे दहशतगर्दों तक पहुंचना। पुंछ जिले के मेंढर इलाके में ऐसे 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिन पर आतंकियों को पनाह देने और मदद मुहैया कराने का शक है। इससे पहले रविवार को 3 लोग हिरासत में लिए गए थे। इस तरह पुंछ हमले के सिलसिले में कुल 8 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। सुरक्षा बलों ने जो है 5 संदिग्धों को जो है मेंढर इलाके से जो है डिटेन किया है, हिरासत में लिया है, और ऐसा संदेह जताया जा रहा है कि इन लोगों ने हो सकता है आतंकवादियों की कुछ मदद की हो, क्योंकि आतंकवादी जो है कई दिनों से जो है जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं। आखिर वो किस प्रकार से अपनी जो लोकेशन है वो चेंज कर रहे हैं, इस पर जो है सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते 4 दिन के भीतर 2 हमलों में 9 जवान शहीद हो गए थे। पहला हमला 11 अक्टूबर को पुंछ के सुरनकोट इलाके में हुआ था जिसमें 5 जवान शहीद हुए। इसके बाद पिछले गुरुवार को मेंढर सेक्टर में एनकाउंटर हुआ जिसमें 1 जेसीओ समेत 4 जवान शहीद हुए। माना जा रहा है कि यहां हमला करने वाले वही आतंकी थे जो सुरनकोट हमले में शामिल थे। पुंछ के मेंढर इलाके में पिछले 9 दिन से सेना के महातलाशी अभियान के बीच एक नए आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है जिसमें सेना के 9 जवान शहीद हुए हैं। PAFF यानी पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में कई सारी चीज़ें और बातें जो हैं इस ग्रुप ने सामने लाई हैं, लेकिन उन पर भरोसा करना फिलहाल जो है वाजिब नहीं है।
पुंछ हमले की जिम्मेदारी एक नए आतंकी संगठन ने ली है। खुद को पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट कहने वाले संगठन ने एक वीडियो जारी कर इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक करीब ढाई महीने पहले ही इन आतंकियों के घुसपैठ का पता चला था। तब से सुरक्षा बल के जवान इनके पीछे पड़े हैं। अब तक तीन बार इनसे मुठभेड़ हो चुकी है जिनमें नौ जवान शहीद हुए। टेररिस्ट ग्रुप्स को लेकर ये पिछले ढाई महीने से चल रहे हैं। इनको ये समझना कि छः दिन से चल रहा है, मेरे को लगता है कि ये ठीक नहीं है। तो ये स्ट्रेटजीज बनती हैं प्रेजेंस को देख के, और वो वक्ती तौर पे जैसी होती है उसी को देख के बनाई जाती है। इंतजार लंबा होता जा रहा है, साथ ही जवानों को खोने का सदमा भारी है। शहीदों का परिवार और पूरा देश इंतजार कर रहा है कि हमले में शामिल आतंकियों से हिसाब बराबर किया जाए। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। केवल आतंकवादी ही नहीं, जो आतंकवादी को पनाह देते हैं, आतंकवादियों की मदद करते हैं, प्रश्न ये उठता है क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पुंछ, राजौरी और थाना मंडी के इलाके में जारी सेना के ऑपरेशन का ताजा हाल बता रहे हैं समय मेरे सहयोगी सुनील जी भट्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में आतंकवाद विरोधक जो अभियान चल रहा है उसका आज नौवां दिन है, और लगातार जो जंगल का इलाका है राजौरी में भी और पुंछ में भी, वहां पर जो है तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया है। भारतीय सेना की जो टीम्स है वो जंगल के भीतरी इलाके में है और गहन वहां पर जो है छानबीन चल रही है, तलाशी अभियान चल रहा है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 4 से 5 आतंकवादी जो है जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं और उनकी तलाश जो है लगातार जारी है, और प्राथमिकता जो सुरक्षा बलों के है वो यही है कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों का पता लगाया जा सके और इनको ढेर कर दिया जाए। इसी बीच पुंछ जिले के मेंढर इलाके से जो है आज 5 संदिग्ध व्यक्तियों को जो है हिरासत में लिया गया, उनको डिटेन किया गया, और सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि हो सकता है इन लोगों ने जो है आतंकवादियों को जो है कुछ मदद पहुंचाई हो, कोई लॉजिस्टिक्स सपोर्ट दिया हो, इसीलिए उनको जो है हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है, उनकी पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। रविवार को भी जो है 3 संदिग्धों को जो है मेंढर इलाके से जो है डिटेन किया गया था, और उस समय भी ऐसी खबर आई थी कि हो सकता है इन लोगों ने जो है आतंकवादियों को कुछ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट दिया हो। फिलहाल जो है इन सभी लोगों की जो है पूछताछ जारी है, और सुरक्षा एजेंसियां जो है इस पहलू पर भी काम कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आतंकवादियों को जो है मदद पहुंचा रहे हैं जंगल के इलाके में। पुंछ, राजौरी और थाना मंडी, ये वो इलाका है जहां इस समय सेना का ऑपरेशन एक बड़े तरीके से चल रहा है। चारों तरफ से आतंकवादियों को घेर कर उन पर हमला करने की कोशिश कर रही है भारतीय सेना। पुंछ में हमला करने वाले आतंकवादियों को तो सेना के जवान ढूंढ ही रहे हैं। श्रीनगर में आम नागरिकों को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों को ढूंढने का जिम्मा अब NIA या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपने हाथ लिया है। 5 अक्टूबर को केमिस्ट मक्खनलाल बिंद्रू और गोलगप्पा चाट विक्रेता वीरेंद्र पासवान हत्या मामले की जांच अब NIA को सौंपी गई है। फार्मासिस्ट मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या के पीछे कौन लोग हैं? बिहार के चाट विक्रेता वीरेंद्र पासवान की हत्या किसने की? NIA करेगी श्रीनगर में बिंद्रू और पासवान हत्या की जांच। पांच अक्टूबर की शाम जाने माने कश्मीरी पंडित फार्मासिस्ट ML बिंद्रू की अज्ञात हमलावरों ने श्रीनगर के इकबाल पार्क इलाके में उनकी ही फार्मेसी पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। उसी रोज आतंकियों ने श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में एक और नागरिक को निशाना बनाया था। बिहार के भागलपुर जिले के वीरेंद्र पासवान, जो चंद पैसे कमाने के लिए श्रीनगर में चाट बेचते थे, ये दोनों हत्या महज 8 मिनट के भीतर अंजाम दी गई। इन दो हमलों के 2 हफ्ते बाद NIA ने अब इसकी जांच की जिम्मेदारी ले ली है। अब तक जम्मू पुलिस इसकी जांच कर रही थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर अब एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो निकालें एक तो पाकिस्तान लिंक और दूसरा कि हाइब्रिड मॉड्यूल क्या है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि आका
तो शायद पाकिस्तान में बैठे हैं जो संदेश भेज रहे हैं कि किस पर हमला करना है, किसको टारगेट करना है। लेकिन दूसरी ओर हाइब्रिड मॉड्यूल है जो कि पार्ट टाइम टेररिस्ट हैं, जो कि आके हमला करके फिर गायब हो जाते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, और शायद इसी वजह से ये मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन NIA अब जांच करेगा और दुनिया के सामने रखेगा कि आखिरकार मास्टरमाइंड कौन है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक और NIA DG के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। NIA के महानिदेशक कुलदीप सिंह श्रीनगर दौरे पर हैं। इसी दौरान दोनों अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठकें हुई हैं। जानकारी के मुताबिक DG जम्मू कश्मीर पुलिस ने गृह मंत्रालय को इस बाबत एक चिट्ठी भी भेजी थी। इन दोनों हत्याओं की जिम्मेदारी TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने ली थी। ये लश्करे तैयबा का ही मुखौटा संगठन बताया जाता है। अब जब NIA इसकी जांच शुरू करेगी तो TRF की कुंडली भी खुलेगी। दरअसल जिस तरह से इस महीने आतंकियों ने आम नागरिकों, खासकर गैर कश्मीरियों को निशाना बनाना शुरू किया है, उससे सरकार भी सकते में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार रात देश की आंतरिक सुरक्षा पर सभी राज्यों के DGP और इंटेलिजेंस अफसरों के साथ बैठक की। इसमें प्रमुखता से कश्मीर के हालात पर भी चर्चा हुई। बैठक में गृह मंत्रालय के आला अफसर भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा 23 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। शाह का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब गैर स्थानीय लोगों को टारगेट किलिंग कर निशाना बनाया जा रहा है। शाह जम्मू कश्मीर के LG, DGP, IB, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और CRPF के अधिकारियों के साथ बैठक करके हालात की समीक्षा करेंगे, क्योंकि सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। 370 निकाला तो बहुत बोले थे, सब खत्म हो गया कश्मीर में। क्या खत्म हुआ? कुछ खत्म नहीं हुआ। टारगेटेड किलिंग कश्मीर में हो रही है। ये मोदी सरकार की नाकामी है जो कश्मीर में हो रहा है। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है टेररिज्म के ऊपर। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर कभी भी इस तरह की गंदी और घटिया पॉलिटिक्स नहीं की गई है। देश सुरक्षित हाथों में है। किसी को भी भय और भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारे सुरक्षा बल सक्षम है आतंकवाद के खात्मे के लिए भी और आतंकवादियों के आकाओं के खात्मे के लिए। जुबानी जंग अपनी जगह है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि घाटी में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। श्रीनगर से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। और आतंकी ये लड़ाई अब क्रिकेट पिच तक आ गई है। जी हां, आवाजें अब उठने लगी हैं कि विश्व कप में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलना चाहिए, और ऐसी मांग केवल असदुद्दीन ओवैसी नहीं कर रहे हैं, इसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल हैं। पाकिस्तान की तरफ से 9 जवानों को हमारे शहीद कर दिया गया, और ऊपर से ये 2020 का मैच, क्या ये होना संभावित है? देखो यार, होना तो नहीं चाहिए। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे ना हो तो उस पर पता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कमिटमेंट होते हैं ICC के, पहले भी बड़ा स्पष्ट है, उन कमिटमेंट में जो है आप किसी से खेलने से मना नहीं कर सकते। कश्मीर में खून खराबा और पाकिस्तान परस्त आतंकियों के हमले के बाद वर्ल्ड कप भी निशाने पर आ गया। आवाजें उठने लगी कि आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान के साथ खेल में मैदान में उतरना क्यों? मैच के खिलाफ आवाज उठाने में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी हैं और पंजाब के मंत्री परगट सिंह भी। परगट सिंह तो भारत की हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। नहीं सर, मैच होना चाहिए या नहीं, टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे ना हो तो उस पर कायराना हमला करके इस तरह के घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं, और यह एक संदेश वो देना चाहते हैं कि कश्मीर में बिहार सहित दूसरे राज्यों के जो मजदूर या अन्य सभी वर्गों के लोग अपना मेहनत करके
कश्मीर के विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं, तो इसे लोगों को कश्मीर छोड़ने के लिए बाध्य किया जाए। देखो यार, होना तो नहीं चाहिए। देखो आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान गुर्बत से दौर से गुजर रहे हैं। कश्मीर घाटी में हाल के दिनों में हुई आम नागरिकों की हत्या को लेकर लाल चौक पर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने आतंकी हमले का विरोध किया। कश्मीर में आतंक का विरोध, जनता निकलकर सड़कों पर आई। जिस तरह से नागरिकों को निशाना बनाया गया, इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है।